पठानकोट में अलग अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई। वह तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें पठानकोट के सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। यहां दो घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें किसी अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बता दें कि पहला हादसा पठानकोट के हल्का सुजानपुर के पंगोली चौक में देर रात हुआ, जिसमें एक स्कूटी की टक्कर एक कार से हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी सवार दो युवकों में से एक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान हिंदू सिख एकता क्लब के प्रधान निर्मल सिंह पप्पू के बेटे अवतार सिंह मक्खू के रूप में हुई है। वहीं दूसरा हादसा स्कूटी वह एक ब्रेड वाली गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला व आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक एक्सीडेंट रात होया सीगा पंगोली चौंक च, एक मर्डर काम होया जिहड़े पंगोली चौंक च, उत्थे तां एक जिहड़ा पेशेंट सी उहदी मौके ते डैथ हो चुकी सी, इत्थे ब्लड डैड आया सी, और दूसरा गंभीर जख्मी सीगा उहनूं रैफर कर दिता गया। जिहड़ा मर्डर काम दा एक्सीडेंट आया उहदे च हसबैंड वाइफ सीगे, जिहड़े वाइफ है वो स्टेबल ने, ठीक ने, उहनां दा इलाज इत्थे चल रिहा। हसबैंड दी हालत ज़्यादा खराब सीगी, उहनां नूं असीं पेशेंट नूं रैफर कर दिता इत्थों नानक दे हस्पताल। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।